स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल प्रफुल केमिस्ट्री क्लासेस में, जहां हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हैं। और सॉल्यूशन चैप्टर का ये आपका लेक्चर नंबर 22 है। 21 लेक्चर्स तक आपके सॉल्यूशन चैप्टर खत्म हो चुके हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ा, और ऑस्मोटिक प्रेशर का न्यूमेरिकल्स मैंने आपको सॉल्व करने के लिए दिया था, जो आप लोगों ने, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। कहीं कोई डाउट हो जाता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आप उसे क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर वहाँ दे दूँगा। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 22। अब आपको लग रहा होगा कि सॉल्यूशन चैप्टर में बचा क्या सर, चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ थे वो आपने खत्म कर दिया, अब चैप्टर में बचा क्या है। देखिए, अब चैप्टर में बहुत कम कुछ बचा हुआ है। अगर आपका देखा जाए तो आपका 85% चैप्टर खत्म हो चुका है। सिर्फ दो लेक्चर्स बचे हैं इस चैप्टर में, एक ये लेक्चर और इसके बाद एक और लेक्चर होगा, उसके बाद आपका सॉल्यूशन चैप्टर का खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब आपका बचा क्या है, आप लोग लग रहा होगा कि अब क्या बचा है। देखिए, अब सॉल्यूशन चैप्टर जो हम लोगों ने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा है, हम लोगों ने चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, वो सब हम लोगों ने नॉर्मल सॉल्यूशन के लिए पढ़ा था। अब वही सब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को एबनॉर्मल सॉल्यूशन के लिए पढ़ेंगे। अब आपके मन में आ रहा होगा कि नॉर्मल एबनॉर्मल सॉल्यूशन क्या होता है सर। ठीक है, ये सारा कुछ मैं इस वीडियो में शेयर करूंगा, बताऊंगा और आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट दूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। आपके मन में आ रहा होगा सर ये टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, पहले तो आपने बताया था टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, गैसेस सॉल्यूशन, ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, वो भी टाइप्स ही था। लेकिन यहां जो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है वो इस बेसिस पे है कि इसी सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट होता है उसका नेचर क्या है। सॉल्यूट दो तरह का होता है, एक होता है आपका इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट और एक होता है आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट, विद्युत अपघट्य और एक होता है विद्युत अनापघट्य। ठीक है, तो ये जो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है, ठीक है, मतलब यहां जो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बताएंगे वो इस बेसिस पे होगा कि किसी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का नेचर क्या है, कि वो इलेक्ट्रोलाइट है या नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। इसके बेसिस पे सॉल्यूशन दो तरह का होता है। कितना तरह का? दो तरह का। ठीक है, यहां पर आप लिख सकते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन किस बेसिस पे, तो आप एक लाइन यहां बढ़ा के लिख सकते हैं, मैंने लिखा नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉल्यूट, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉल्यूट देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, फर्स्ट वन इज नॉर्मल सॉल्यूशन एंड सेकेंड वर्ड इज एबनॉर्मल सॉल्यूशन। नॉर्मल मतलब सामान्य, साधारण, और एबनॉर्मल मतलब असामान्य, जो सामान्य ना हो। ठीक है, अब आपके मन में आ रहा होगा सर ये नॉर्मल और एबनॉर्मल क्या है। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिएगा, जिस सॉल्यूशन में सॉल्यूट आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, विद्युत अनापघट्य है, ठीक है, उसे कहा जाता है एबनॉर्मल सॉल्यूशन। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा सर व्हाट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ऐसे आप लोगों ने हो सकता है 11 में पढ़ा होगा, 10 में भी पढ़ा होगा नॉन इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। तो सिंपल मैं समझा देता हूं, जिस चीज को पानी में डालने के बाद वो आयंस में टूटता हो, चाहे वो कम टूटे ज्यादा टूटे, जो आयन में टूट जाए, जिस कंपाउंड को पानी में डालने के बाद आयन में टूट जाए, उसे इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोलाइट। और जिस चीज को पानी में डालने के बाद वो आयन में नहीं टूटे, उसे कहा जाता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, पानी में जिसको डालेंगे नहीं टूटा आयन में, जो आयन में टूटे नहीं उसे नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, और जो आयन में टूट जाए उसे इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। यहां तक खाली आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट नॉन इलेक्ट्रोलाइट अगर आप नहीं समझिएगा तो नॉर्मल एबनॉर्मल आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं सिंपल बता देता हूं, जिस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब जिसको पानी में डाले, सॉल्यूट को पानी में डाला आपने और वो आयन में ना टूटे, तो वैसे सॉल्यूशन को कहा जाता है नॉर्मल सॉल्यूशन। आप लोगों ने जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा है, चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा है, सारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपने नॉर्मल सॉल्यूशन का पढ़ा है, क्योंकि उन सारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में सॉल्यूट आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट था। देखिए, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, आपको पता भी नहीं चला होगा, आपको लग रहा होगा सर हम लोगों ने नॉर्मल ही पढ़ा है। बिल्कुल, आप लोग इग्नोर कीजिएगा, आपने चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा, उसके बहुत सारे आपने न्यूमेरिकल्स बनाए, आपको न्यूमेरिकल्स में जनरली आपको सॉल्यूट मिला होगा या तो ग्लूकोज, या तो सुगर, या तो यूरिया, या तो इथाइलिन ग्लाइकॉल, ये सब आपको सॉल्यूट मिला होगा, कंफर्म आप देख सकते हैं। ठीक है, आपको सॉल्यूट यही सब मिला होगा, आपको कभी भी सॉल्यूट आपको NaCl नहीं मिला होगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, इसका मतलब आपने जो सॉल्यूशन पढ़ा है वो कौन सा सॉल्यूशन पढ़ा है? नॉर्मल सॉल्यूशन। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए बोल रहा हूं, बाकी आपने कंसंट्रेशन पढ़ा था, हेनरी लॉ पढ़ा था, राउल्ट लॉ पढ़ा था, वहां तो आप लोगों ने इलेक्ट्रोलाइट नॉन इलेक्ट्रोलाइट दोनों को लिया, लेकिन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आप लोगों ने किसके लिए पढ़ा है? नॉर्मल सॉल्यूशन के लिए, क्योंकि वहां सॉल्यूट आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, जो पानी में आयन में नहीं टूटता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, नॉर्मल सॉल्यूशन वैसा सॉल्यूशन जिसका सॉल्यूट आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो उसे ही कहा जाता है नॉर्मल सॉल्यूशन। आपने जो कुछ भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अब तक पढ़ा है वो नॉर्मल सॉल्यूशन के लिए ही पढ़ा है। ठीक है, चलिए अब आता है आपका एबनॉर्मल सॉल्यूशन, ये है आपका मेन पॉइंट।
वैसा सॉल्यूशन जिसका सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट हो, मतलब जिसको पानी में डालें और आयन में टूट जाए, वैसा सॉल्यूशन जो है आपका कहलाता है कैसा सॉल्यूशन? नॉर्मल सॉल्यूशन, उसे कहा जाता है नॉर्मल सॉल्यूशन। ठीक है, अब आपके मन में आ रहा होगा सर इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल क्या है। ठीक है, ये तो आपने नॉन इलेक्ट्रोलाइट देखा। इलेक्ट्रोलाइट में तीन चीज आते हैं, बस आप तीन चीज याद रखिएगा, एसिड बेस एंड सॉल्ट, अम्ल क्षार और लवण, ये आपका इलेक्ट्रोलाइट है। कोई आपसे पूछेगा इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल दो, आप सिंपली बोल दीजिएगा कोई भी एसिड पकड़ लो भाई, कोई भी बेस पकड़ लो, कोई भी सॉल्ट पकड़ लो, एसिड बेस एंड सॉल्ट आर इलेक्ट्रोलाइट। कोई भी एसिड ले लेंगे, जैसे HCl ले लिया आपने, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये सारा आपका एसिड है। एसिड क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट। इसको पानी में डालेंगे तो आयन में टूटेगा। हाँ, सब एक जैसा नहीं टूटता है, इसके अंदर भी दो कैटेगरी होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, लेकिन वो अभी फिलहाल आपको नहीं है, इसलिए मैं सिंपली बता दिया इलेक्ट्रोलाइट। ठीक, दूसरा होता है बेस, कोई भी बेस, NaOH, CaOH होल्ड टू, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कोई भी सॉल्ट ले सकते हैं, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट, कोई भी तरह का ये कहलाता है सॉल्ट, और ये सारा कुछ कहलाता है नन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इसका मतलब वैसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट आपका नन इलेक्ट्रोलाइट हो उसे क्या कहा जाएगा? एबनॉर्मल सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम लोग को जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ना है वो एबनॉर्मल सॉल्यूशन के लिए पढ़ना है, नॉर्मल के लिए हम लोगों नॉर्मल के लिए हम लोगों ने पढ़ चुका है। ठीक है, चलिए ये आपके लिए नया आ गया, आप उसको नोट कीजिएगा, बाद में मैं हट जाऊंगा उसे आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आता है आपका एबनॉर्मल सॉल्यूशन, तो आप लोगों ने देख लिया। अब इसका इंटरेस्टिंग बात क्या है? आपको लग रहा होगा कि सर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है क्या नॉर्मल और एबनॉर्मल के लिए? हाँ, चेंज हो जाता है। ध्यान रखिएगा, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आप लोगों ने नॉर्मल के लिए पढ़ा वो एबनॉर्मल के लिए 100% जस्टिफाइड नहीं है, कुछ चेंजेस आता है उसमें, और वो चेंजेस क्या है इसी पर अब पूरे चैप्टर में जो बचा है वो यही है। ठीक है, आपको इसी के बारे में जो कुछ भी पढ़ना है अब इसी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब चेंजेस क्या आता है, क्यों आता है, ये मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। अगर आपका एबनॉर्मल सॉल्यूशन है तो ये बात होता है कि आपका सॉल्यूट क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट होगा। ये बात तो समझ में आ गया, जो पानी में डालने के बाद आयन में टूटता है। ठीक है, अब सुनिए, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर दो चीज हो सकता है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट अगर रहे तो वो दो चीज हो सकता है उसका, या तो डिसोसिएशन या तो एसोसिएशन। ठीक है, या तो डिसोसिएशन वियोजन, और एसोसिएशन यानी कि संयोजन, मतलब यहां टूटना, और एसोसिएशन का मतलब जुड़ना। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा कि ये डिसोसिएशन एसोसिएशन क्या है। देखिए, जब आप पानी है, ये आपके पास कंटेनर है, इसमें पानी है, इसमें आप सोडियम क्लोराइड डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं? सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड डालने के बाद, सोडियम क्लोराइड को पानी में डालने के बाद ये Na+ और Cl- में टूट जाएगा। क्या टूट जाएगा? Na+ और Cl-, ये आयन में टूट गया, इस चीज को कहा जाता है डिसोसिएशन। मतलब आपने पानी में डाला और आयन में टूट गया तो ये कहलाता है आपका डिसोसिएशन। सोडियम क्लोराइड को पानी में डाला तो डिसोसिएशन होगा, HCl को पानी में डाला डिसोसिएशन होगा, NaOH को पानी में डाला डिसोसिएशन होगा। ठीक है, लेकिन किसी किसी सॉल्यूट में डिसोसिएशन ना होके एसोसिएशन भी होता है। अब आपको लग रहा होगा कौन सा सॉल्यूट, देखिए, अगर आप पानी में एसिटिक एसिड डालिएगा CH3COOH, यहां मैंने लिखा था, देखिए ये भी आपका इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ सॉरी मैंने डेफिनेशन में यहाँ पे नॉन इलेक्ट्रोलाइट कर दिया, यहाँ इलेक्ट्रोलाइट होगा। ठीक है, यहाँ ठीक है, यहाँ ठीक है, हाँ, तो मैं क्या कर रहा था, हाँ, अगर आपका एसोसिएशन हुआ, अगर आपने पानी में एसिटिक एसिड डाला CH3COOH डाला, तो CH3COOH डालने के बाद ऐसा नहीं है कि CH3COOH CH3COOH- और H+ में टूट नहीं सकता है, लेकिन होता क्या है कि CH3COOH अपने ही जैसे किसी एक और आयन को पकड़ता है, मतलब एक और CH3COOH को पकड़ता है, मतलब एक CH3COOH था आपके पास और एक और CH3, मतलब अगर पानी में डाला तो आपने पानी में डाला होगा तो एक मॉलिक्यूल तो डाला नहीं होगा आपने, मान ली एक चम्मच डाला, एक चम्मच में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जुड़ जाता है। ठीक है, मतलब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, इस चीज को कहा जाएगा एसोसिएशन। ठीक है, तो CH3COOH को जब पानी में डालिएगा तो इसके दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ के बनाते हैं CH3COOH का होल टू। ठीक है, आपके मन में हालांकि क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर जुड़ते क्यों हैं और कौन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ते हैं, दो ही मॉलिक्यूल को क्यों आपने जोड़ा, इसका हालांकि ये अलग सवाल है, मैं इसका जवाब भी आपको दे देता हूं, ये आपका थोड़ा सा नॉलेज को और एनहांस करेगा। देखिए, CH3COOH का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, CH3COOH ये एसिटिक एसिड है, एक और CH3COOH की अगर आपने लिया, पानी के अंदर आपका एक मॉलिक्यूल तो है नहीं, बहुत सारा मॉलिक्यूल होगा। देखिए, ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि दो ही मॉलिक्यूल क्यों जुड़ते हैं और इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है। जब एसिटिक एसिड का एक मॉलिक्यूल आपने जोड़ा तो एक और मॉलिक्यूल को देख के उसके बीच अट्रैक्शन आ जाता है। कैसे आता है? देखिए, इसका O इसके H के साथ अट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है H और O के बीच में एक बॉन्ड बनता है जिसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी तरह से इसके नीचे वाले O और इसके वाले H के बीच में भी एक बॉन्ड बन जाएगा जिसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड।
यानी कि एक मॉलिक्यूल को आपने पानी में डाला तो एक और मॉलिक्यूल को देखता है और उसमें उस पर अट्रैक्शन आ जाता है। और कौन सा अट्रैक्शन फोर्स आता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड आपको पता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, यानी कि ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाता है। इसी चीज को बोलते हैं डाइमर। क्या बोला जाता है? डाइमर। दो मॉलिक्यूल का आपस में जुड़ना कहलाता है डाइमर, तीन मॉलिक्यूल का जुड़ना कहलाता है ट्राइमर, चार मॉलिक्यूल जुड़ जाए तो टेट्रामर। इसी तरह से होता है डाइमर, ट्राइमर, टेट्रामर, हेक्सामर भी हो सकता है। लेकिन CH3CH के दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं, किस बॉन्ड से जुड़ते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड से, ठीक है। और इस चीज को कहा जाता है एसोसिएशन। आपको उम्मीद है कि एसोसिएशन आपको क्लियर हो गया होगा। डिसोसिएशन, पानी में डाला आयन में टूट गया। एसोसिएशन, पानी में डाला एक मॉलिक्यूल लेकिन एक और मॉलिक्यूल को पकड़ के बना लिया CH3CH2। ये और ये अंतर है। यहां पर है इसका दो मॉलिक्यूल और यहां पर है दोनों मॉलिक्यूल जुड़ के होल टू बना लिया, मतलब जुड़ा हुआ है। ये है, ये क्लियर है कि नहीं? यहां तक समझ में आ गया? चलिए, अब आपका ये तो समझ में आ गया कि डिसोसिएशन या एसोसिएशन होता है, लेकिन आपके मन में फिर आ रहा होगा क्वेश्चन, सर ऐसा होता है तो ठीक है, लेकिन ऐसा होने से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों चेंज कर जाता है इसका, ये आप लोग अलग से क्यों पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, डिसोसिएशन और एसोसिएशन के प्रभाव क्या होते हैं। देखिए, अगर आपका डिसोसिएशन हुआ तो होगा क्या, आपने पानी में डाला था एक NaCl, एक मॉलिक्यूल डाला था, लेकिन वो एक मॉलिक्यूल कितने मॉलिक्यूल में टूट गया, कितने स्पीसीज में टूट गया? दो स्पीसीज में टूट गया, मतलब आयंस में टूट गया। यानी कि आपने ये, आप ये बताइए कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बढ़ा या घटा, जब आपने NaCl डाला था एक मॉलिक्यूल था लेकिन NaCl डालने के बाद ये दो में टूट गया, यानी कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इंक्रीज किया या नहीं किया, ये बताइए, ठीक है, कंफर्म है? इस केस में नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल आपका इंक्रीज किया, ठीक है, क्लियर है। अब बताइए, यहां देखिए, आपने डाला था एक मॉलिक्यूल तो एक एक रहा नहीं, वो दो मॉलिक्यूल को पकड़ के बना लिया CH3CH2, यानी कि इस केस में नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल डिक्रीज कर गया। यहां नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इंक्रीज किया, यहां नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल डिक्रीज किया, ठीक है। अब आप याद कीजिए, क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता था? वैसा प्रॉपर्टी जो सॉल्यूट के नंबर पर डिपेंड करे, याद था ना, सॉल्यूट के नंबर पर डिपेंड करे, ठीक। तो आप ये बताइए कि डिसोसिएशन या एसोसिएशन से नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल घट बढ़ रहा है कि नहीं, इसमें बढ़ रहा है, इसमें घट रहा है, ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गया। डिसोसिएशन में नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल आपका क्या हो गया? इंक्रीज। तो जब नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इंक्रीज करेगा, कॉमन सी बात है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी आपका इंक्रीज करेगा, करेगा कि नहीं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूट पे डिपेंड करता था, और नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इंक्रीज तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी इंक्रीज, ठीक है। यहां पर क्या होगा, चूंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स घट रहा है इसलिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी घटेगा। यहां नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल डिक्रीज और यहां पे नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इंक्रीज, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यहां इंक्रीज और यहां कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज, यहां तक समझ में आ गया। अब आप बताइए, आप लोगों ने चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा है, सारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में आप नोट कीजिएगा कि सब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूट के मोलर मास का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सॉल्यूट के मॉलिक्यूलर मास का क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, ये आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला को मैं इधर लिख रहा हूँ, ठीक है, फिर से एक जगह चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आ जाएगा और आना भी चाहिए, ठीक है। देखिए, चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या था? फर्स्ट था आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। फॉर्मूला क्या था? पी नॉट ए माइनस पी एस बाई पी नॉट ए बराबर एन बी बाई एन ए प्लस एन बी, ठीक है। और आप इसको आप और एक्सप्लेन करके एक्सपेंड करके लिख सकते थे, आपको याद होगा, आप इसको ऐसे लिखते थे, इसी चीज़ को ऐसे भी लिख सकते थे, पी नॉट ए माइनस पी एस बाई पी नॉट ए की जगह हो जाता था पी एस, तो आपका ये एन बी नीचे वाला एन बी हट जाता था और फॉर्मूला हो जाता था डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए बाई एम ए। मैंने ये सब प्रूफ किया है, ठीक है। दूसरा था आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू मोलैलिटी, मोलैलिटी का फॉर्मूला डब्ल्यू बी इंटू 1000 बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए, ये हो गया। तीसरा था आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, फॉर्मूला क्या था? डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ डब्ल्यू बी इंटू 1000 बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए। और लास्ट जो आपने पिछले वीडियो में पढ़ा, ऑस्मोटिक प्रेशर, आपका फॉर्मूला भी रिवाइज हो गया होगा, पाई इक्वल टू सी आर टी आर, सी आपका क्या था? मोलैरिटी, डब्ल्यू बी इंटू 1000 बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू आर इंटू टी, ये हो गया। अब आप देखिए, सारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एम बी का इन्वर्सली प्रपोर्शनल है या नहीं, यानी कि सॉल्यूट के मोलर मास का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है या नहीं,
बिल्कुल है। इसका मतलब अगर यहाँ पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज कर रहा है, मतलब सॉल्यूट का जो मॉलिकुलर मास होगा वो डिक्रीज करेगा, इन्वर्सली डिक्रीज करेगा, और यहाँ जो होगा वो सॉल्यूट का मॉलिकुलर मास इंक्रीज करेगा, यहाँ डिक्रीज करेगा, यहाँ इंक्रीज करेगा। हाँ, आपको आपके मन में यह आ रहा होगा कि सर इंक्रीज और डिक्रीज करके कितना होगा, ये मैं सब बताऊँगा आपको, ठीक है। आप सब खाली ध्यान से देखते रहिए, मॉलिकुलर मास सॉल्यूट का डिक्रीज करेगा और यहाँ पे इंक्रीज करेगा, मतलब जो आपने एक्सपेक्ट किया था मॉलिकुलर मास, जो हम लोग जोड़ के निकालते थे 180 ग्लूकोज का होता था 12 गुना 6 करके, वो आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। चेंज होकर कितना होगा मैं बताऊंगा, ठीक है। मॉलिकुलर मास बस आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये मॉलिकुलर मास यहाँ डिक्रीज और यहाँ इंक्रीज, मतलब जो आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू है या आपका जो नॉर्मल वैल्यू है, इससे मॉलिकुलर मास बदल जाएगा, ठीक है। तो आपके मन में आ रहा होगा अगर बदल जाएगा तो क्या होगा, ठीक है, तो वो मैं बताऊंगा आपको, लेकिन मैं पहले ये बता देता हूं कि जो मॉलिकुलर मास बदल जाएगा आपका, उसी मॉलिकुलर मास को कहा जाता है एबनॉर्मल मॉलिकुलर मास। क्या कहा जाता है? एबनॉर्मल मॉलिकुलर मास, यानी कि एमबी, अब एमबी नहीं रहा, ये एबनॉर्मल हो गया, नॉर्मल नहीं रहा। नॉर्मल क्यों रहेगा? नॉर्मल सॉल्यूशन ही नहीं है, क्योंकि सॉल्यूशन आपका एबनॉर्मल है, इसलिए मॉलिकुलर मास भी आपका क्या हो जाएगा? एबनॉर्मल मॉलिकुलर मास। और ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कभी कभी, डेफिनेशन, व्हाट इज एबनॉर्मल मॉलिकुलर मास, तो आपको क्या लिखना है कि जिस सॉल्यूशन में सॉल्यूट आपका इलेक्ट्रोलाइट हुआ उसका मॉलिकुलर मास चेंज हो जाता है, बदल जाता है, क्यों? या तो डिसोसिएशन की वजह से या तो एसोसिएशन की वजह से। उसी बदले हुए मॉलिकुलर मास को कहा जाता है एबनॉर्मल मॉलिकुलर मास। देखिए डेफिनेशन, इन ए सॉल्यूशन कंटेनिंग इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट विच अंडरगोज डिसोसिएशन और एसोसिएशन, द मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट चेंजेस फ्रॉम नॉर्मल वैल्यू या एक्सपेक्ट या कैलकुलेटेड वैल्यू, इसको कैलकुलेटेड वैल्यू भी कहेंगे, नॉर्मल वैल्यू या कैलकुलेटेड वैल्यू, दिस इज कॉल्ड एबनॉर्मल मॉलिकुलर मास, ठीक है। तो ये एबनॉर्मल मॉलिकुलर मास क्या होता है आप लोगों ने समझ गया होगा, यानी कि अब एमबी नहीं रहेगा, एमबी में कुछ चेंजेस आएगा, एमबी रहेगा लेकिन कुछ चेंजेस होगा, वो क्या होगा मैं आपको बताऊंगा, पहले आप लोग इतना नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब चलिए हम लोग ये देखेंगे कि एबनॉर्मल मॉलिकुलर मास क्या होता है, लेकिन उससे पहले उसी को समझने के लिए पहले आपको एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा जिसका नाम है वांट हॉफ फैक्टर। बहुत बीबीआई टॉपिक है ये, वांट हॉफ फैक्टर। पूरा एबनॉर्मल सॉल्यूशन जो है ये आई ही उठा के चलता है, मतलब आई ही पूरा एबनॉर्मल सॉल्यूशन को कैरी करता है, ठीक है। आई पर ही पूरा नॉर्मल और एबनॉर्मल में आपको अंतर समझ में आ जाएगा, ठीक है। आई से रिप्रेजेंट किया जाता है इसे, स्मॉल आई से, वांट ऑफ फैक्टर। ये क्या है बताता हूँ मैं, ठीक है। वांट ऑफ फैक्टर किसे कहते हैं ये पहले समझिएगा आप, उसके बाद आपको एबनॉर्मल सॉल्यूशन और आपको एबनॉर्मल सॉल्यूशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एबनॉर्मल मॉलिक्यूल मास सब समझ में आएगा। पहले आपको वांट ऑफ फैक्टर को पहले पढ़ना पड़ेगा। होता क्या है पहले देखिए, पहले तो ये जान लीजिए कि वांट ऑफ फैक्टर जो है क्या बताता है, ये बताता है कि किसी सॉल्यूट का डिसोसिएशन या एसोसिएशन का एक्सटेंट क्या है, हद क्या है, किस हद तक कोई सॉल्यूट एसोसिएट करता है या डिसोसिएट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है आपका वांट ऑफ फैक्टर, मतलब एक्सटेंट बताता है डिसोसिएशन या एसोसिएट। क्योंकि देखिए सब सॉल्यूट या एक ही तरीके से डिसोसिएट या एसोसिएट नहीं कर सकते, कुछ सॉल्यूट डिसोसिएट भी करते हैं, जैसे मान लिया आपके पास दो सॉल्यूट है, ये भी डिसोसिएशन करेगा, ये भी डिसोसिएशन करेगा, लेकिन क्या दोनों सेम तरीके से डिसोसिएट करेगा? बिल्कुल नहीं, है ना। सबका अपना अपना एक हद होता है, एक्सटेंट होता है, वही रिप्रेजेंट करता है आपका वांट ऑफ फैक्टर, ठीक है। ये तो आपका हो गया क्या रिप्रेजेंट करता है, लेकिन इसका मीनिंग या इसका डेफिनेशन क्या है वो ये देखिए, मैंने फॉर्मूला के फॉर्म में लिख दिया है, आप इसे डेफिनेशन भी बना सकते हैं। क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। मतलब सॉल्यूट को जब आपने सॉल्यूशन में डाला था तो पहले नंबर ऑफ मोल क्या था, ठीक है, वो पहले क्या था वो आपका नीचे लिखाएगा, और डिसोसिएशन या एसोसिएशन के बाद टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गया उसका, वो आपका ऊपर लिखाएगा। मतलब आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन कितना नंबर ऑफ मोल्स था वो ऊपर लिखाएगा, और बिफोर डिसोसिएशन या एसोसिएशन कितना नंबर ऑफ मोल्स था वो नीचे लिखाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका डेफिनेशन। आपको अगर डेफिनेशन बनाना है इसी को लिख सकते हैं आप, हालांकि मैं वांट ऑफ फैक्टर के आपके दो तीन डेफिनेशन और दूंगा, ठीक है, लेकिन ये आपका मेन डेफिनेशन हुआ, द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन इज कॉल्ड वांट ऑफ फैक्टर। ये आपका डेफिनेशन हो गया। आप इसको फॉर्मूला के फॉर्म में भी लिख सकते हैं या फिर आपने डेफिनेशन जो बनाया वही चलेगा, ठीक है। चलिए अब मैं एग्जांपल दूंगा, मैंने जगह छोड़ दिया, ठीक है। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि NaCl का वांट ऑफ फैक्टर बताओ, बहुत सिंपल है। आपको करना क्या है, आपको मैंने एक बार सिखाया था, याद कीजिए, जब मैं आपको नॉर्मेलिटी पढ़ा रहा था, बेसिसिटी, तो किसी कंपाउंड को कैसे डिसोसिएट करते हैं, कैसे आयन में तोड़ते हैं, ये आपको सिखाया था, वो आपको यहां काम आएगा। देखिए कैसे,
NaCl कैसे टूटता है, तो टूटता ऐसे है Na प्लस और Cl माइनस, ये तो कोई भी जानता है, बहुत सिंपल चीज है, ये हो गया। अब अगर कोई पूछेगा इसका वांट ऑफ फैक्टर बताओ, कितना सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अब आप बताइए आफ्टर आफ्टर बटा बिफोर, याद रखिएगा NaCl बाद में कितनी चीजों में टूटा, दो, एक और एक कितना, दो, एक मोल, दो मोल, दो मोल हो गया। पहले कितना नंबर ऑफ मोल्स था, एक, यानी कि दो बटे एक, यानी कि इसका वांट ऑफ फैक्टर हो जाएगा टू। NaCl का वांट ऑफ फैक्टर कितना हो गया, टू हो गया, कितना सिंपल था, ठीक है। और एग्जांपल मैं दे देता हूँ, ठीक है, जैसे आपका अगर आ गया MgCl2, बोलेगा इसका वांट ऑफ फैक्टर बताओ। देखिए कैसे तोड़ेंगे, MgCl2 को आपको तोड़ना पड़ेगा आयन में, ठीक है, मैंने आपको सिखाया था, फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ। Mg के नीचे कितना लिखा हुआ, एक, यानी कि 1 Mg हो गया, प्लस Cl के नीचे कितना लिखा हुआ, 2, यानी कि 2 Cl हो गया, ठीक है। अब चार्ज को उल्टा कर दीजिए, 2 इसका चार्ज प्लस 2 और 1 इसका चार्ज माइनस 1, ठीक है। अब इसका वांट ऑफ फैक्टर बताइए, ठीक है, तो यहाँ एक है, यहाँ दो है, दो और एक 3, और पहले कितना था 1 3/1, यानी इसके वांट ऑफ फैक्टर हो जाएंगे 3। समझ में आपको, ठीक है, कितना सिंपल है, NaCl का वांट ऑफ फैक्टर 2, MgCl2 का वांट ऑफ फैक्टर 3। मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, आपको एकदम क्लियर हो जाए, क्योंकि कई कई बार एग्जाम में MCQ में आप लिखते चलिएगा, ठीक है, MCQ में आपके क्वेश्चन आ जाते हैं वांट ऑफ फैक्टर ऐसे निकालने के लिए, ठीक है। और मैं आपको देता हूँ, जैसे Na3PO4 सोडियम फॉस्फेट, इसका वांट ऑफ फैक्टर निकालिए, ठीक है। इसको तोड़ने में लोग गलती कर देते हैं, डिसोसिएशन, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ Na3PO4 को कैसे तोड़िएगा आप, ठीक है। तो Na के नीचे कितना लिखा हुआ, 3, ये हो गया 3Na। अब यहाँ लोग गलती क्या कर देते हैं, बोलेंगे सर PO के नीचे 4 लिखा है तो 4PO लिख दीजिए, ना, PO के नीचे 4 नहीं है, एक्चुअल में अगर ये PO के नीचे 4 नहीं है, अगर ये पूरा होल रहता, ठीक है, इस होल के नीचे कितना ये देखना है, ये तो O के नीचे है, ब्रैकेट है क्या यहाँ, अगर यहाँ ब्रैकेट रहता, यहाँ 2 रहता या यहाँ 3 रहता, तब आप 3 आगे में लिखते, ठीक है। तो ये PO होल के नीचे नहीं है, ये सिर्फ O के नीचे है, PO के नीचे नहीं है, PO होल रहता तो यहाँ ब्रैकेट जरूर रहता। तो होल PO के नीचे कितना है, आप देखिए कुछ नहीं है, तो 1, तो 1PO4, ये हो गया आपका। अब चार्ज उल्टा कीजिए, 1 इसका चार्ज प्लस 1 और 3 इसका चार्ज 3 माइनस, ठीक है, क्लियर। अब इसका वांट ऑफ फैक्टर बताइए, आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 × 1 = 4, 4 हो गया, और पहले कितना था, 1 4/1, वांट ऑफ फैक्टर 4, क्लियर। ऐसे टूटता है ये, ठीक। मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि एग्जांपल बनाते रहिए, ठीक है, वांट ऑफ फैक्टर का काम लगते रहेगा, कई बार MCQ एग्जाम में आ जाता है। 3 एग्जांपल हो गया, Al2SO4 होल 3, बोलेगा इसका वांट ऑफ फैक्टर बताइए, ठीक है। तो देखिए कैसे होगा, इसको आयन में तोड़ते हैं हम लोग, ठीक, कैसे टूटेगा देखिए, Al कितना है, 2, देख अब यहाँ ब्रैकेट आपको मिल गया, मैं जो बात यहाँ कर रहा था, Al के नीचे कितना है, 2, तो 2Al प्लस SO के नीचे, SO4 के नीचे 3 है, तो 3 आगे आ जाएगा, 3SO4, 3 इसका चार्ज 3 प्लस 2 इसका चार्ज 2 माइनस। अब आप बताइए वांट ऑफ फैक्टर कितना होगा, तो 3 × 2 = 5, पहले कितना था, 1, यानी कि 5, ठीक है। Al2SO4 होल 3 का वांट ऑफ फैक्टर कितना हो गया, 5, कितना सिंपल था, ठीक है। चलिए और मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, चलिए इसको लिखते चलिएगा, और कुछ मैं बनाने भी दूंगा आपको, ठीक है। जैसे देखिए मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, K4FeCN होल 6, ठीक है, ये आपका कहलाता है कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो आपका चैप्टर नंबर 9 है वो यही है, ठीक है, जिसमें आपको बड़ा ब्रैकेट नजर आ रहा है, ठीक है। ये नॉर्मल कंपाउंड से कुछ अलग होता है, अलग क्या होता है मैं आपको यहीं बता देता हूँ, ऐसे आप चैप्टर 9 पढ़िएगा तो आपको डिटेल में समझ में आएगा। ब्रैकेट के अंदर कभी भी आयन में नहीं टूटेगा, जो भी टूटेगा ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट के अंदर जो जैसा है वैसे ही रहने दीजिएगा, जो भी तोड़ना है ब्रैकेट के बाहर टूटता है। तो इसे कैसे तोड़ा जाता है देखिए, ठीक है, ये भी कई बार CBSE में आ जाता है एग्जाम में, ठीक है, इसका वांट ऑफ फैक्टर। तो कैसे तोड़ेंगे इसको, K4 है तो लिखेंगे 4K, ठीक है, ये हो गया। अब ये FeCN होल 6 को आप ब्रैकेट मानिए, क्या ब्रैकेट नीचे यहाँ कुछ लिखा हुआ है, नहीं, ये इसका मतलब आपका एक ही है, तो FeCN होल 6 ऐसे हो गया, ये एक है इसलिए एक मैंने यहाँ लिख दिया। अब चार्ज उल्टा होता है, यहाँ पर एक है तो ये एक K का चार्ज होगा प्लस 1, और ये जो 4 है ये इसका चार्ज होगा, यानी कि 4 माइनस, ठीक है, ये हो गया। अब बताइए इसका वांट ऑफ फैक्टर कितना होगा, तो बाद में कितना हो गया, 4 × 1 = 5, मैंने एरो इधर लिख दिया है, ठीक है, 4 × 1 = 5, अब पहले कितना था, 1, यानी कि 5/1, यानी इसका वांट ऑफ फैक्टर हो जाएगा 5, ठीक है, कितना सिंपल था, वांट ऑफ फैक्टर कितना इजीली निकाल लिया। अब आपको मैं इसी तरह का एक और कॉम्प्लेक्स भी देता हूँ, तब आपको शायद ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। जैसे मैं आपको पूछूं कि K3FeCN होल 6, इसका वांट ऑफ फैक्टर बताओ, K4 की जगह मैंने K3 कर दिया, अब आप लोग वीडियो पॉज करके खुद बना सकते हैं, ठीक है, कैसे टूटेगा, K3 है तो 3K प्लस FeCN होल 6, ये हो गया आपका। यहाँ पर 1 है कुछ नहीं है, तो 1 इसका चार्ज प्लस 1 और 3 इसका चार्ज 3 माइनस, तो वांट ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा, 3 × 1 = 4, 4 हो जाएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने बनाया होगा। एक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मैं आपको देता हूँ,
साथ साथ लिखते चलिएगा, जितना एग्जाम्पल बनाइएगा उतना अच्छा क्लियर होगा आपको, ठीक है। जैसे एक है CONH3 होल 6 Cl3, ये सारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, जो एकदम हाई लेवल अच्छे अच्छे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में है ना, ये स्टेट लेवल के जेई एग्जाम में, मेंस और एडवांस में तो इतना इजी क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन स्टेट लेवल के एग्जाम में ये सब आपका वांट ऑफ फैक्टर इसका पूछ सकता है, ठीक है। स्कूल एग्जाम में भी आपका पूछ सकता है CONH3 होल 6 Cl3, इसका वांट ऑफ फैक्टर बताइए, ट्राई कीजिए। देखिए मैंने आपको कहा ब्रैकेट के अंदर कभी भी नहीं टूटता है, जो भी टूटता है ब्रैकेट के बाहर टूटता है। अच्छा, कि CONH3 होल 6 के नीचे यहाँ कुछ लिखा हुआ है क्या? नहीं। इसका मतलब ये आपका एक है और Cl आपका कितना है? 3। ये 1 CONH3 होल 6 + Cl कितना है? 3। तो 3 Cl यहाँ तक हो गया। अब चार्ज उल्टा कीजिए, जो 3 है इसका चार्ज हो जाएगा 3+ और 1 इसका चार्ज हो जाएगा 1-, ठीक है। अब इसका वांट ऑफ फैक्टर बताइए कितना होगा? 3 × 1 = 4, ठीक है। इसका वांट ऑफ फैक्टर 4 होगा, ठीक है। आप ऐसे ही वांट ऑफ फैक्टर को निकालिएगा, ठीक है। ज़्यादा आपको नहीं आता, फिर भी मैंने आपको एग्जांपल में बहुत सारे एग्जांपल्स दिया, मैं कुछ एग्जांपल आपको यहाँ लिख देता हूँ, आप इसका वांट ऑफ फैक्टर आराम से निकालिएगा, ठीक है। और अगर कोई डाउट होगा तो बाद में पूछ लीजिएगा, कमेंट्स में पूछ सकते हैं आप, ठीक है। जैसे CaCl2, दूसरा MgSO4, तीसरा Na2SO4, चौथा BaCl2, पांचवा और आप ले सकते हैं जैसे कार्बोनेट Al2CO3 होल 3, ये पांच आप सबका वांट ऑफ फैक्टर आप निकालिएगा, ठीक है। चलिए ये तो हो गया। अब आपके एक मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपने जितने भी वांट ऑफ फैक्टर बताए उसमें आपने डिसोसिएशन किया है, एसोसिएशन तो किया नहीं। तो देखिए एसोसिएशन का बहुत लिमिटेड एग्जांपल है, इसलिए मैं आपको बस एक दो एग्जांपल आपको बता देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एसोसिएशन आपका बहुत कम होता है, डिसोसिएशन आपका बहुत मिलेगा, ठीक है। एसोसिएशन के लिए आपने परफेक्ट एग्जांपल जो चुना था वो चुना था 2CH3COOH, जो कि बना था CH3COOH का होल 2, ये था आपका एसोसिएशन का। अब आप देखिए इसमें ध्यान से देखिएगा, दो मॉलिक्यूल था, यहाँ कितना में कन्वर्ट हुआ? एक। तो आप बताइए बाद में कितना हुआ? बाद में कितना, ये दो मत बोल दीजिएगा, यहाँ आगे देखिए नंबर ऑफ मोल्स इतना है एक, और पहले कितना था? दो, यानी कि 1/2। इसका वांट ऑफ फैक्टर कितना होगा? 1/2, ठीक है, क्लियर है। अगर आपको एक और एग्जाम्पल मैं देता हूँ, 2C6H5COOH, ठीक है, ये भी जब दो मॉलिक्यूल जुड़ेगा और बनेगा C6H5COOH का होल 6, ऐसे बनेगा, तो इसका वांट ऑफ फैक्टर बताइए, ठीक है। तो इसका वांट ऑफ फैक्टर कितना होगा बताइए? तो बाद में कितना हो गया? 1, पहले कितना था? 2, यानी कि 1/2, ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर ये सब डाइमर बना रहे थे इसलिए वांट ऑफ फैक्टर हो गया 1/2, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। एक मैंने एक क्वेश्चन देखा था किसी कंसेप्चुअल बुक में, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था किसी रेफरेंस बुक में, कि ये क्वेश्चन था आपका वाट इज आई, यानी कि वांट ऑफ फैक्टर फॉर ए कंपाउंड अंडरगोइंग टेट्रामेराइजेशन। कंपाउंड का नाम नहीं बोला, बोला कि अगर कोई कंपाउंड है जो टेट्रामेराइजेशन हो रहा है, मतलब चार मॉलिक्यूल आपस में जुड़ रहा है, तब उसका वांट ऑफ फैक्टर कितना होगा, ठीक है। तो देखिए आप लोग साथ समझ गए होंगे, टेट्रामेराइजेशन के साथ साथ पेंटामेराइजेशन या हेक्सामेराइजेशन भी हो सकता है, यानी कि चार ए जुड़ के बन रहा है आपका A4, ये बन रहा है। अब बोल रहा है इसका वांट ऑफ फैक्टर बताओ, कंपाउंड का नाम मैंने ए कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा? बोले तो I = बाद में कितना हुआ? 1, पहले कितना था? 4, यानी कि 1/4, ठीक है, समझ में आ गया आपको, ठीक, क्लियर। तो ये हो गया, आपको इसको भी लिख लेना है, ये तो आप लोगों ने देख लिया, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं अगर कि नन इलेक्ट्रोलाइट का जो आपने पढ़ा था, जैसे ग्लूकोज C6H12O6, शुगर C12H22O11, यूरिया NH2CONH2, इन सबों का वांट ऑफ फैक्टर कितना होगा, ठीक है, इन सबों का वांट ऑफ फैक्टर बताइए, ठीक है। तो आप लोग बोलेगा सर ये तो ना तो डिसोसिएट करता है ना तो एसोसिएट करता है सर, तो इसका वांट ऑफ फैक्टर कितना होगा? तो इसका वांट ऑफ फैक्टर क्या होगा, मतलब ग्लूकोज को जब आपने पानी में डाला, पहले कितना मोल था? एक। पानी के डाल बाद में भी कितना मोल हुआ? एक, यानी कि 1/1, यानी इसका वांट ऑफ फैक्टर कितना होगा? 1। मतलब नन इलेक्ट्रोलाइट के लिए वांट ऑफ फैक्टर हमेशा कितना होता है? 1 होता है, ठीक है, क्लियर है, ध्यान रखिएगा, वांट ऑफ फैक्टर नन इलेक्ट्रोलाइट का हमेशा 1 होता है, ठीक है। ग्लूकोज, यूरिया, शुगर, सबका वांट ऑफ फैक्टर कितना होगा? 1 होगा, ठीक है। ये हो गया नन इलेक्ट्रोलाइट का, ठीक।
अगर आपका इलेक्ट्रोलाइट रहा तो इसका वांटो फैक्टर क्या होता है, तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब आपने डिसोसिएट करवाया था तो आपका वांटो फैक्टर कितना आ रहा था, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे आ रहा था, यानी कि वांटो फैक्टर आपका 1 से ज़्यादा था। लेकिन जब आपने एसोसिएशन किया तो वांटो फैक्टर कितना आ रहा है, हाफ, यहाँ भी कितना आया हाफ, यहाँ कितना आया 1/4, मतलब आई का वैल्यू मोर देन 1 और लेस देन 1 दोनों हो सकता है। मोर देन 1 कब होगा, जब सॉल्यूट का क्या होगा, वेन सॉल्यूट अंडरगोज डिसोसिएशन। अगर सॉल्यूट का क्या हो जाए, डिसोसिएशन हो जाए, तो वांटो फैक्टर 1 से ज़्यादा होगा। और 1 से कब कम होगा, वेन सॉल्यूट अंडरगोज एसोसिएशन। ये भी कभी कभी आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चन में पूछा जाता है, एमसीक्यू में आपको पूछ सकता है कि व्हाट इज द वांटो फैक्टर ऑफ ए सॉल्यूट अंडरगोज डिसोसिएशन। ऑप्शन में जाएगा आपका 1, 1 रहेगा मोर देन 1, 1 रहेगा आपका लेस देन 1, और 1 कुछ भी दे सकता है, 0 दे दिया या नन ऑफ दीज होगा। तो डिसोसिएशन रहा तो 1 से ज़्यादा वांटो फैक्टर, एसोसिएशन रहा तो 1 से कम वांटो फैक्टर, और नन इलेक्ट्रोलाइट रहा तो वांटो फैक्टर कितना होगा, 1। ठीक है, ये तो आपको वांटो फैक्टर पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब आप थोड़ा ध्यान दीजिए इधर। ठीक है, देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले जब लिखा था तो ऑस्मोटिक प्रेशर में मैं यहाँ WA लिख दिया था, एक्चुअल यहाँ VML होगा, मैंने बाद में सुधार दिया। ये आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, किस सॉल्यूशन के लिए था, नॉर्मल। ठीक है, यहाँ जो आप लोगों ने अभी तक पढ़ा सॉल्यूट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो यही था। ठीक है, लेकिन अगर पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक, अब अगर आपका नॉर्मल तो रहा नहीं, अब सॉल्यूशन आपका क्या हो गया, एबनॉर्मल। जैसे ही एबनॉर्मल हो जाता है तो आप लोगों ने क्या पढ़ा, सॉल्यूट का या तो डिसोसिएशन होगा या तो एसोसिएशन, और डिसोसिएशन से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ता है, एसोसिएशन से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी घटता है। ठीक है, क्यों पता है आपको, अब आप देखिएगा, एकदम ध्यान से देखिएगा, ये आपका नॉर्मल था पहले, अब क्या हो गया, एबनॉर्मल। तो जैसे ही एबनॉर्मल हो जाता है क्या चेंजेस आता है, आप देखते रहिए, यही बन जाएगा आपको एबनॉर्मल, चेंजेस आएगा ये। ठीक है, आपने क्या देखा, मैंने जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको लिखे सब में मैंने आई से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब वांट ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। ये वांट ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हुआ, यही हो गया आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस सॉल्यूशन के लिए, एबनॉर्मल सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, यानी कि नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में अगर हम लोग आई से मल्टीप्लाई कर दें, वांट ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, तो हो जाता है एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। समझ में आया आपको, ठीक है। ये अब आपको लग रहा होगा कि सर आई से मल्टीप्लाई मैंने क्यों किया, डिवाइड क्यों नहीं किया। ठीक है, ये सब क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपका सॉल्यूट डिसोसिएट किया, एकदम ध्यान से देखिएगा, अगर आपका सॉल्यूट डिसोसिएट किया तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होता है, इंक्रीज, और क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, इंक्रीज। ठीक है, क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, इंक्रीज, मतलब अगर आपका सॉल्यूट का डिसोसिएशन हो रहा है तो क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगा। ठीक है, यानी कि सॉल्यूट का डिसोसिएशन या एसोसिएशन ये डिसाइड करता है वांट ऑफ फैक्टर से, वांट ऑफ फैक्टर ही डिसाइड करता है कि सॉल्यूट का डिसोसिएशन हो रहा है या एसोसिएशन। तो ड्यूरिंग डिसोसिएशन या एसोसिएशन, मतलब कॉलिगेटिव कंपाउंड का डिसोसिएशन एसोसिएशन डिपेंड करता है आपका वांट ऑफ फैक्टर से, और वांट ऑफ फैक्टर ही डिसाइड करता है कि नया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगा। यानी कि नया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में आपको कुछ चेंजेस नहीं करना है, आपका सिर्फ आई से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब ध्यान से देखिएगा, अगर डिसोसिएशन हुआ तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, डिसोसिएशन में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ता है तो आई से मल्टीप्लाई रहेगा, और आई आपका क्या होता है, एक से ज्यादा, एक से ज्यादा रहेगा तब ना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगा। मतलब अगर ये आई रहा तो का 2, पहले था 1, कुछ नहीं था, अगर आपका आई से मल्टीप्लाई मैंने क्यों किया, अगर डिसोसिएशन रहेगा तो यहां 2 हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। अगर वांट ऑफ फैक्टर आपका 3 रहा, बस 1 से ज्यादा होना चाहिए, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगा। ठीक है, क्लियर, मतलब डिसोसिएशन में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ रहा है। ठीक है, आई से मल्टीप्लाई होगा तब ना। अब आप सोचिए, ध्यान से देखिएगा, अगर आपका एसोसिएशन होता है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगा, घटेगा। तो ये आई ही डिसाइड करता है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ा या घटा। ऑन द होल मैं आपको इतना घुमा नहीं रहा हूं, सिंपली आप याद रखिए कि नया जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा उसमें आपको सिर्फ कितना से मल्टीप्लाई कर देना है, आई से, और आई कैसे निकलता है ये आपको पता चल गया होगा। ठीक है, यहां तक तो हो गया। ठीक, चलिए अब देखिए, मैं वांट ऑफ फैक्टर का एक नया डेफिनेशन भी आपके सामने लिख रहा हूं। ठीक है, उसके बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा वांट ऑफ फैक्टर। देखिए, वांट ऑफ फैक्टर का मैंने एक डेफिनेशन तो आपके सामने लिखा, एक और डेफिनेशन क्या हो सकता है, देखिए, तो क्या मैं अब वांट ऑफ फैक्टर के लिए ये लिख सकता हूं, क्या नॉर्मल, हाँ सॉरी, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बराबर आई इंटू नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये लिख सकता हूँ या नहीं, बोलिए,
बिल्कुल, क्योंकि मैंने अभी जब नॉर्मल लिखा था उसके बाद इसको एबनॉर्मल क्या किया, एबनॉर्मल कैसे किया, आई से मल्टीप्लाई करके, यानी कि एबनॉर्मल बराबर आई इंटू नॉर्मल, तो आई बराबर क्या होगा आपका, आई बराबर हो जाएगा आपका एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो आप अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज वांट ऑफ फैक्टर, तो आप ये भी बोल सकते हैं द रेशियो ऑफ एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टू नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज कॉल्ड वांट ऑफ फैक्टर। और इसी चीज को किसी किसी बुक में एबनॉर्मल की जगह पे आपको लिखता है, एबनॉर्मल की जगह पे आपको लिखता है वो ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये भी लिख सकता है आपका, ठीक है। नॉर्मल की जगह क्या लिखा रहेगा, ऑब्जर्व्ड, और आपका सॉरी एबनॉर्मल की जगह रहेगा आपका ऑब्जर्व्ड, और नॉर्मल की जगह रहेगा आपका कैलकुलेटेड, कैलकुलेटेड ये रहे, ठीक है, ये भी रह सकता है आपका, ठीक। चलिए एक और आई का डेफिनेशन मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, आपको लग रहा हो एक और क्यों लिख दिया सर। देखिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करता है, मॉलिकुलर मास, ठीक है। अगर ये नॉर्मल सॉल्यूशन नहीं है, एबनॉर्मल सॉल्यूशन है, तो मॉलिकुलर मास भी आपका एबनॉर्मल हो गया, और एबनॉर्मल मॉलिकुलर मास जो होता है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। देखिए ना, ये जो डेल्टा टी भी है एमबी का इन्वर्सली, डेल्टा टी एफ एमबी का इन्वर्सली, ये भी एमबी का इन्वर्सली, ये भी एमबी का इन्वर्सली। तो जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में आपने कहा एबनॉर्मल बटे नॉर्मल, तो जब मॉलिकुलर मास का बात करेंगे, जब मॉलिकुलर मास का बात करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा आपका, नॉर्मल बटा एबनॉर्मल, यानी हो जाएगा आपका नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास बाय ऑफ किसका, सॉल्यूट बाय एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। मतलब समझ में आया आपको, जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपने लिखा तो एबनॉर्मल बटे नॉर्मल लिखा, जब आप क्या बोलते हैं आप, जब आप मॉलिक्यूलर मास लिखेगा तो नॉर्मल बटे एबनॉर्मल लिखेगा, ठीक है, क्लियर। अब मैं आपको पिछले वीडियो में नहीं, थोड़ा देर पहले मैं आपको बताया था कि आपको एबनॉर्मल मॉलिकुलर मास कभी भी निकालना नहीं पड़ता है, ठीक है, क्योंकि अगर आपसे कोई पूछ दे एबनॉर्मल मॉलिकुलर मास NaCl का बताओ कितना होता है, नॉर्मल तो आप लोग जानते हैं कैसे निकालते हैं, नॉर्मल कैसे निकालते हैं बताइए, ठीक है, 23 + 35.5, मैं आपको ऐसे ही बता दिया, आपका काम यहीं तक हो गया, ठीक है, 23 + यानी कि 58.5। लेकिन अगर कोई पूछेगा एबनॉर्मल मॉलिकुलर मास बताओ, ये आपका एबनॉर्मल नहीं है, ये आपका नॉर्मल हुआ, ये हो गया आपका नॉर्मल, सॉरी यहाँ मैं लिख देता हूँ नॉर्मल मॉलिकुलर मास, ठीक है। अगर आपको पूछेगा एबनॉर्मल मॉलिकुलर मास बताओ, सोडियम क्लोराइड का है मॉलिक्यूलर मास, तो कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो एबनॉर्मल बराबर क्या होता है, इसको अगर इधर कर देंगे तो आई नीचे आ जाएगा, नॉर्मल बटे आई, नॉर्मल बटे आई, तो नॉर्मल कितना है, नॉर्मल कितना है इसका 58.5, और NaCl का आई कितना था, NaCl का आई कितना था बताइए, थोड़े कितना हो गया Na++Cl-, यानी कि 2, यानी कि 2, ठीक है, तो ये हो गया एबनॉर्मल मॉलिकुलर मास किस चीज़ का, NaCl का। तो जब आप NaCl का एबनॉर्मल मॉलिकुलर मास निकाल सकते हैं तो किसी का भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपको ये करना नहीं है, मैंने आपको बस बताया था एबनॉर्मल मॉलिकुलर मास क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैंने आपको बताया था, ठीक है, इसके पहले जो मैंने आपको लिखा था बोर्ड पे, तो एबनॉर्मल मॉलिकुलर मास ऐसे करते हैं, ठीक है, ये आपको करना नहीं है, ठीक। तो आई का आपका तीन डेफिनेशन हो गया, एक तो पहले मैं आपने जो बताया था डिसोसिएशन एसोसिएशन आफ्टर बाई बिफोर, वो हो गया। आप ये भी लिख सकते हैं एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के रेशियो को वांट ऑफ फैक्टर कहते हैं, या आप ये भी लिख सकते हैं नॉर्मल मॉलिकुलर मास सॉल्यूट का और एबनॉर्मल मॉलिकुलर मास सॉल्यूट का रेशियो को वांट ऑफ फैक्टर कहते हैं, द रेशियो ऑफ नॉर्मल मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट टू एबनॉर्मल मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट इज कॉल्ड वांट ऑफ फैक्टर, ठीक है, ये भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा एबनॉर्मल सॉल्यूशन का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, आई रहा तो एबनॉर्मल, आई हट गया तो नॉर्मल, ठीक है। अब आप देखिए एक चीज और गौर कीजिएगा, अगर ये नॉर्मल होता है, क्या होता है, नॉर्मल होता है, एबनॉर्मल की जगह एबनॉर्मल में ए बी एन, हाँ, अगर ये नॉर्मल होता तो आपका सॉल्यूट क्या होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट के लिए आई का वैल्यू कितना होता है, 1, तो आप 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, नॉर्मल, ठीक है। तो सिर्फ आई का मतलब है, आई रहा तो एबनॉर्मल, आई नहीं रहा तो नॉर्मल, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं इतना ही रहने देता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एसोसिएशन और वो वांट ऑफ फैक्टर पर कैसे डिपेंड करता है ये, और साथ साथ इसके कुछ क्वेश्चंस, बस वो क्वेश्चंस जैसे हो गए ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो आप पढ़ते रहिएगा, नोट्स प्रॉपर बनाइएगा, और मैंने जो आपको वांट ऑफ फैक्टर निकालने के लिए बोला उसे आप बनाइएगा, ठीक है।